प्यारे बच्चों, कक्षा 6 कक्षा 6 विषय नैतिक शिक्षा, उपविषय प्रातः स्मरण और एकात्मता श्रोतम। हमने जो पहले अपने पाठ में पढ़ा था ईश एवं भारतवंदना में, उसमें हमने 3 श्लोक पढ़े थे, प्रातः स्मरण के पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि हमारी प्रथम मासिक परीक्षा में आ चुका है। अब जो द्वितीय द्विमासिक परीक्षा में हमारे हैं, उसमें चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये सारे श्लोक आपके आएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका चौथा श्लोक है, सनत कुमारा सनिका सनंदना सनातनोप्या सूरी पिंगलोचे सप्त स्वरा सप्त रसा तलानी कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये प्रातः स्मरण का चौथा श्लोक है। इसमें सनत कुमार, सनत कुमार, सन कहा, सनक, सनंदन और सनातन, ये चारों जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आसुरी और जो छंद ज्ञान की शक्तियाँ हैं, मुनि पिंगल, सात स्वर, सात रसातल, ये सभी क्या करें, कुर्वन्तु करें, सर्वे मतलब सभी, मम मतलब मेरे, सुप्रभातम यानी प्रभात को अच्छा करें। इसको दोबारा देखेंगे, सनत कुमारा सनका सनंदा, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, ये चारों क्या है, ब्रह्मा जी के बाल मानस पुत्र हैं। और आसुरी पिंगल, आसुरी जो संज्ञान की शक्तियां हैं और पिंगल मुनि, ये क्या करें, हमारे प्रभात को, मेरे प्रभात को शुभ करें। सप्ता स्वरा, सात स्वर, अब सात स्वर कौन कौन से होते हैं, षडज है, ऋषभ है, गांधार है, मध्यम है, पंचम है, धेवत है और निषाद, ये क्या है, हमारे सात स्वर है। कौन कौन से सात स्वर आपके, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद, ये क्या है, हमारे सात स्वर है। अब इसके बाद है सप्त रसा तलानी, यानी सात रसातल है। अब कौन कौन से सात रसातल है हमारे, अतल, पीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पातल, कौन कौन से बताए सात रसातल, अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये क्या है, हमारे सात रसातल है। तो ये सभी कुर्वन्तु करें, सर्वे मतलब सभी, मम मतलब मेरे, सुप्रभात मतलब प्रभात को यानी सुबह को मेरे अच्छा करें, ये सभी जो है वो मेरे प्रभात को अच्छा करें। ये हमारा कौन सा श्लोक हो गया, चौथा। अब हम आते हैं पांचवें श्लोक पर, कि हमारा पांचवें श्लोक कौन सा है। तो सप्तान्वा सप्ति कुला चलाश्चे सप्तर्षियो दीपनानि सप्ते भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्ते कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तान्वा, सप्तान्वा सात समुद्र, सप्त कुला चलाश्चे सात पर्वत, सप्तर्षियों सात ऋषि, दीप बनानी सप्ते सात दीप, सात वन, भूरादि कृत्वा क्या करें, भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्ते, यानी सात जो भुवन है, भूलोक, इस भूलोक पर जो सात भुवन है वो सभी कुर्वन्तु करें, सर्वे मतलब सभी, मम मतलब मेरे, सुप्रभात मतलब प्रभात को मंगल में करें या अच्छा करें। तो सप्तान्वा, सप्तान्वा क्या बताया, सात समुद्र, सप्त कुला चला से सात पर्वत, सप्तर्षियों सात ऋषि, दीप यानी सात दीप, सात वन, भूरादि इस भूलोक पे, भुवनानि सप्ते सात जो भूलोक हैं वो क्या करें, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम मेरे सुप्रभात को मंगल में करें। अब हमारे सात समुद्र कौन कौन से हैं, सात समुद्र कौन कौन से हमारे, लवणावधि, इक्षु सागर, सुराण, आज्य सागर, दधि समुद्र, क्षीर सागर और स्वादुजल, ये क्या है, हमारे सात समुद्र है। सात समुद्र कौन कौन से हमारे, लवणावधि, इक्षु सागर, सुराण्व, आज्य सागर, दधि समुद्र, क्षीर सागर और स्वादुजल, ये क्या है, हमारे सात समुद्र है। अब हमारे सप्त कुला चला, सात पर्वत कौन कौन से है, तो सात पर्वत कौन कौन से हमारे,
महेंद्र, मलय, सह्याद्री, शुक्तिमान, ऋक्षवान, बिंध्य और पारियात। ये क्या है? हमारे सात पर्वत है। कौन कौन से सात पर्वत है हमारे? महेंद्र, मलय, सह्याद्री, शुक्तिमान, ऋक्षवान, बिंध्य और पारियात। अब कौन है? सप्त ऋषियों, सात ऋषि हैं। अब वो सात ऋषि कौन कौन से हैं? कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। ये क्या है? हमारे सात ऋषि हैं। अब दीप, अब सात दीप कौन कौन से हैं? सात दीप हमारे कौन कौन से हैं? जम्बू, प्लक्ष, शामली, कुश, क्रौच, शाप और पुष्कर। ये क्या है? हमारे सात दीप है। कौन कौन से सात दीप है? जम्बू, प्लक्ष, शामली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर। ये क्या है? हमारे सात दीप है। तो हमने किसके सात समुद्र पड़े, सात पर्वत, सात ऋषि और सात दीप। अब हमारे सात वन कौन कौन से? दंडकारण्य, कौन सा अरण्य? दंडकारण्य, खंडकारण्य, चंपकारण्य, वेदारण्य, नैमिषारण्य, ब्रह्मारण्य, धर्मारण्य। ये क्या है? हमारे सात वन है। इसके बाद आता है सात भूयो, कौन कौन से हमारे सात भुवन? भू, भूभ, स्वह, मह, जनह, तपह और सत्य। ये क्या है? हमारे सात भुवन है। क्या है? हमारे सात भुवन है। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा? सात समुद्र, सात पर्वत, सात ऋषि, सात वन और सात भुवन। ये सभी हमारी क्या करें? लक्षा, हमारी जो मंगल प्रभात है उसको हमारे मंगलमय करें। क्या करें? मंगलमय करें। पांचवें श्लोक के बाद आता है आपका छठा श्लोक। पृथ्वी सगंधा सरसा स्थापा स्पर्श वायु जलम च तेजः नाभास शब्दम महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। यह आपका प्रातः स्मरण का छठा श्लोक है। इसमें पृथ्वी सगंधा, यानी जो पृथ्वी है वो गंध गुण जो उसका है गंध से युक्त, सरसा थापा यानी आपा जल जो है रस से युक्त जो जल है, स्पर्श च वायु और वायु जो है वो स्पर्श से युक्त है, ज्वलम च तेजा और जो ज्वलनशील तेज है जैसे प्रकार अर्थात अग्नि, नाभास शब्दम यानी जो आकाश से वो शब्द से युक्त है, महता सहेव और बुद्धि जो तत्व है वो महत तत्व से युक्त है, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ये सभी, सर्वे मतलब सभी, मम मतलब मेरे, सुप्रभातम् प्रभात को क्या करें? मंगल में करें। इसको पुनः देखेंगे। पृथ्वी सगंधा, जो पृथ्वी है वो गंध रूपी गुण से युक्त है, सरसा थापा आपहा यानी जल जो है वो रस से युक्त है, स्पर्श च वायु और वायु जो है वो स्पर्श रूपी गुण से युक्त है, ज्वलम च तेजा और जो तेज है वो ज्वलनशील है अर्थात अग्नि, नाभास शब्दम यानी जो आकाश से वो शब्द से युक्त है, महता से जो बुद्धि तत्व है वो महत तत्व से युक्त है। इसलिए ये सभी क्या करें? मेरे प्रभात को मंगल में करें। कुर्वन्तु करें, सर्वे मतलब सभी, मम मतलब मेरे, सुप्रभात मतलब प्रभात को, ये सभी मेरे प्रभात को क्या करें? मंगल में करें। इसके बाद सातवां श्लोक आता है आपका। प्रातः स्मरण में तद्यु विदित्वार्ता पठे स सम्यक धर्म निष्ठा स्यात् संस्मृता अखंड भारतः। प्रातः स्मरण में तद्यु यानी जो हम प्रातः स्मरण कर रहे हैं वो विदित्वा मतलब हमें कैसे करना चाहिए? समझकर। आदरता पठेत यानी आदर पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? समझकर और आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए। स सम्यक धर्म निष्ठा स्यात् संस्मृता अखंड वार्ता, जो अखंड भारत है, अखंड भारत की स्मृति, संस्मृता स्मृति को संजोए हुए, अखंड भारत की स्मृति को अपने मन में संजोए हुए धर्म निष्ठा स्यात् यानी जो धर्म से और निष्ठावान होकर उसको ठीक प्रकार से करें। प्रातः स्मरण में तद्यु यानी जो हम प्रातः स्मरण करते हैं उसको हमें कैसे करना चाहिए? समझकर और आदरपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिसमें
अखंड भारत की स्मृति को मन में संजोए हुए धर्म और निष्ठा को प्रमाणिक बनाए हुए करना चाहिए। तो ये आपका छठा श्लोक हो गया और ये आपका सातवां श्लोक हो गया। ये आपके प्रातः स्मरण के सातों श्लोक पूर्ण हो गए जो आपके द्वितीय द्विमासिक परीक्षा में आएंगे। इसके बाद जो आपके श्लोक है, आपके श्लोक एकात्मता स्त्रोतम जो है उसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा वो प्रथम मासिक परीक्षा में आ गया है। अब उसमें कौन सा आएगा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब इस चौथे श्लोक में पर्वतों के बारे में बताया है, पांचवें श्लोक में नदियों के बारे में बताया गया है और छठे श्लोक में आपको जो हमारी सात पुरियां हैं उनके विषय में बताया गया है और आठवें में, ये सातवें में हमारे नगरियां हैं, प्रसिद्ध नगरियां, उनके विषय में बताया गया है। अब इसमें पहले चौथा श्लोक देखेंगे, महेंद्रो मलह सयो देवात्मा हिमालया देयो रेवत को बिंदु गिरिश्चारा बलिस्तता। अब इसमें कौन कौन से पर्वत के बारे में बताया गया है? महेन पर्वत, मले पर्वत, सह्याद्री पर्वत और देवात्मा हिमालया। रेवत को, देयो रेवत को, यानी रेवत को जो पर्वत है, बिंदे पर्वत है और अरावली पर्वत, ये सभी हमारे क्या है? स्मरण करने योग्य है। इसको पुनः देखेंगे, कौन कौन से पर्वत है? महेंद्र पर्वत, मले पर्वत, सह्याद्री पर्वत, हिमालय पर्वत, रेवत पर्वत और बिंध्य पर्वत और जो आपकी अरावली पर्वत है, ये सब हमारे क्या है? स्मरण करने योग्य है, क्योंकि हम एकात्म स्रोतम में सभी को स्मरण करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, नदियां हैं और जो महान वैज्ञानिक हैं उनमें हम इन्हीं सभी को स्मरण करते हैं। तो ये जो हमारे पर्वत है इसमें हम इनको स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद पांचवें श्लोक में गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। इसमें हमने नदियों के विषय में पढ़ा है, तो गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये सारी क्या है? हमारी नदियां हैं जो हमारी आचमन करने योग्य हैं। कौन कौन सी? गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा नदी, गोदा नदी और महानदी, ये क्या है? हमारी आचमन करने योग्य है, स्मरण करने और आचमन करने योग्य है। अब हमारी ये सात पुरियां हैं इस श्लोक में, कौन से में? छठे श्लोक में, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका धेया पुरी तक्ष शिला गया। ये हमारी सात पुरियां कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, माया कौन है? हरिद्वार जो है, काशी, कांची, अवंतिका, कौन? वैशाली, द्वारिका, पुरी और तक्षशिला और गया। ये हमारी क्या है? सात पुरियां हैं जो हमारी स्मरण करने योग्य है। इसके बाद सातवें श्लोक में प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम महत इंद्रप्रस्थम सोमनाथा तथा अमृतसरा प्रियम। अब कौन कौन से नगर हैं? प्रयाग नगर, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ और अमृतसर, ये सभी हमारे प्रिय हैं और आचमन करने योग्य हैं, यानी हम इसको स्मरण करना चाहिए। कौन कौन से? प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ और अमृतसर, ये सभी स्मरण करने योग्य हैं। और आपके ये श्लोक आपको पीडीएफ के माध्यम से और इंडिया आरती पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।